हेलो स्टूडेंट, आज का बीए सेकंड ईयर का हमारा टॉपिक है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत मुख्य रूप से जनसंख्या के अध्ययन पर बल देता है। जनसंख्या जन प्लस संख्या दो शब्दों से मिलकर बनी है जनसंख्या। जन यानी होते हैं लोग और संख्या अर्थात लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। और किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में जब हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो जलवाहक की जनसंख्या में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि के रूप में भी हमें देखने को मिलती है और जनसंख्या ह्रास के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। इसके दो प्रमुख घटक हैं जन्म दर और मृत्यु दर। ये दोनों ही मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए तथा भविष्य के लिए जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करना होता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में चाहे हम किसी भी क्षेत्र में अध्ययन कर ले जनसंख्या का, वहाँ की जनसंख्या में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इस परिवर्तन की जो अवस्थाएं होती हैं, जनसंख्या में जो परिवर्तन अवस्थाओं के रूप में होता है, इस परिवर्तन को ही हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि में अवस्थाओं के रूप में समय के आधार पर जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को ही हम जनसंख्या संक्रमण के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो 1929 में थॉमसन महोदय के द्वारा किया गया था। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन कब हुआ था? 1929 में थॉमसन महोदय के द्वारा किया गया था। इसके बाद में 1935 में एक विद्वान थे लॉन्ड्री नामक विद्वान ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद में 1945 में नोटे स्टीन महोदय ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का पुनः प्रस्तुत किया। और सबसे पहले जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जो सर जनसंख्या संक्रमण का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो नोटे स्टीन महोदय के द्वारा किया गया था। तो देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन थॉमसन महोदय ने किया था और इसके बाद में 1935 में लॉन्ड्री महोदय के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाद में इसमें कुछ संशोधन करके नोटे स्टीन महोदय के द्वारा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया गया था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में देखिए किस प्रकार से हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे जनसंख्या प्रारंभ में अशिक्षित खेतीहर और ग्रामीण जनसंख्या है, इस जनसंख्या में मुख्य रूप से शिक्षित नगरीय और औद्योगिक रूप में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, इस वृद्धि को ही हम जनसंख्या संक्रमण के नाम से जानते हैं। तो जनसंख्या संक्रमण की क्या परिभाषा आ गई? किसी भी क्षेत्र में समय के संदर्भ में अशिक्षित खेतीहर और ग्रामीण जो मजदूर लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं, वो धीरे धीरे समय के आधार पर परिवर्तन करके शिक्षित नगरीय और औद्योगिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से समय के आधार पर जनसंख्या जैसे प्रारंभ में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से धीरे धीरे जैसे जैसे समय के आधार पर उसमें परिवर्तन होता गया, वैसे ही निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो गई थी। इस परिवर्तन को ही हम जनसंख्या संक्रमण के नाम से जानते हैं। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या संक्रमण का अर्थ आ गया किसी भी क्षेत्र में समय के संदर्भ में जनसंख्या की अवस्थाओं में यानी उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम जनसंख्या संक्रमण के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से अशिक्षित खेतीहर ग्रामीण लोगों को शिक्षित नगरीय और औद्योगिक रूप में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हमारी जनसंख्या में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस परिवर्तन को ही हम जनसंख्या संक्रमण के नाम से जानते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले थॉमसन महोदय के द्वारा किया गया था। इसके बाद में थॉमसन महोदय के द्वारा किया गया था इसके बाद में लॉन्ड्री के द्वारा 1935 में और उसको व्यवस्थित और सब पुनः प्रस्तुत करने का श्रेय नोटे स्टीन महोदय को जाता है। और नोटे स्टीन महोदय ने ही जनसंख्या संक्रमण शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया था। इस प्रकार से यह जनसंख्या संक्रमण का अर्थ है। अब हम
देखेंगे कि जनसंख्या किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरी है और इन अवस्थाओं में किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन देखने को हमें मिले हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इनकी यूरोप है उसकी जनसंख्या पर मुख्य रूप से आधारित है। यूरोपीय देश है उसकी जनसंख्या पर यह सिद्धांत मुख्य रूप से आधारित है। तो सबसे प्रथम अवस्था देखिए जनसंख्या संक्रमण की। जनसंख्या संक्रमण को मुख्य रूप से पांच अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। जनसंख्या के अध्ययन को हम पांच अवस्थाओं के रूप में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर की अवस्था, अर्थात वह अवस्था जिसमें जनसंख्या में उच्च जन्म दर भी हुआ है और उच्च मृत्यु दर भी हुई है। इस प्रकार की अवस्था मुख्य रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में, अल्प विकसित क्षेत्रों में मिलती है, जहां पर मुख्य रूप से अशिक्षा, इनकी शिक्षा का अभाव पाया जाता है, रोजगार के साधनों का अभाव पाया जाता है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है, इसे हम प्रथम अवस्था के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की अवस्थाओं में मुख्य रूप से सूडान, रोडेशिया, नाइजीरिया जैसे देश आते हैं जो अल्प विकसित हैं, पिछड़े हुए हैं। द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था उच्च जन्म दर लेकिन मृत्यु दर कैसी गिरती हुई, क्योंकि जैसे जैसे ही औद्योगिक विकास होने लगा, रोजगार के साधन, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थी, वैसे ही मृत्यु दर में कमी आने लगी। और जन्म दर कैसी है, उच्च ही है, क्योंकि शिक्षा का थोड़ा कम अभाव, प्रचार प्रसार थोड़ा कम हुआ है। इस प्रकार का मुख्य रूप से जो देखने को मिलती है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मिलती है। तृतीय अवस्था उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, अर्थात जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर कैसी है, मध्यम है। वहां पर चिकित्सा सुविधाएं मुख्य रूप से प्रचार चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार प्रसार हुआ है, इसीलिए मृत्यु दर में गिरावट आने लगी है। और यहाँ पर मध्यम मृत्यु दर पाई जाती है और जन्म दर उच्च पाई जाती है। इस प्रकार की जो मुख्य रूप से देखने को मिलती है विकासशील देशों में देखने को मिलती है, यह अवस्था भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जैसे विकासशील देशों में देखने को मिलती है। अगली है हमारी चतुर्थ अवस्था। जनसंख्या संक्रमण की चतुर्थ अवस्था में मुख्य रूप से जो जन्म दर है वो भी मध्यम हो जाती है और मृत्यु दर है वो निम्न हो जाती है। इसका कारण मुख्य रूप से तीव्र औद्योगिकरण का विकास, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी, शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, इसीलिए जन्म दर भी कम होने लगी और मृत्यु दर में भी गिरावट कम होने लगी, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा। इस प्रकार की जनसंख्या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जैसे महाद्वीपों में पाई जाती है। अगली है हमारी पंचम अवस्था, यह जनसंख्या संक्रमण की सबसे लास्ट अवस्था है। इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, अर्थात दोनों ही निम्न पाए जाते हैं, जन्म दर भी और मृत्यु दर भी। इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिलती है यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी देश हैं उनके अंतर्गत पाई जाती है, विकसित है। इस प्रकार की अवस्था विकसित देशों में मिलती है, यहाँ पर जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी निम्न। इन अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में मुख्य रूप से समय के संदर्भ में किसी भी क्षेत्र के या स्थान की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है और वो समय के आधार पर परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। पांच अवस्थाएं हैं। सबसे पहली उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर की, अर्थात ये पिछड़े हुए अल्प विकसित क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है, शिक्षा का भी अभाव पाया जाता है, रोजगार के साधनों का भी अभाव पाया जाता है। उच्च जन्म दर गिरती हुई मृत्यु दर में, मृत्यु दर थोड़ी घटने लगी है लेकिन जन्म दर कैसी है, उच्च है। इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिलती है अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। और तीसरी अवस्था मुख्य रूप से यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है, भारत जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था में आता है, तो वो कौन सी अवस्था में आता है, तृतीय अवस्था में आता है, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। मृत्यु दर कैसी हो गई है, मध्यम, और जन्म दर वही उच्च है लेकिन यहाँ पर विकास यानी चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार प्रसार हुआ है, थोड़ा शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मृत्यु दर में कमी आई है। और जो हमारी चौथी अवस्था है इसमें जन्म दर कैसी हो गई है, मध्यम, और मृत्यु दर निम्न हो चुकी है। और पंचम अवस्था में दोनों ही निम्न पाई जाती है, जन्म दर भी और मृत्यु दर भी। इस प्रकार की स्थिति कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की स्थिति विश्व के विकसित क्षेत्रों में पाई जाती है, मुख्य रूप से यूरोपीय भागों में। ठीक है, ये हमारा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर घट रही है और बढ़ रही है, कहाँ पर स्थिर है। तो देखिए जनसंख्या संक्रमण की ये पांचों अवस्थाएं हैं,
और यहाँ पर जन्मदर और यह ये लाइन है वो मुख्य रूप से जन्मदर और मृत्यु दर प्रति हजार पर एक वर्ष में प्रति हजार कितनी मृत्यु दर हो रही है और कितनी जन्मदर हो रही है और यह लाइन हमारी समय को प्रदर्शित कर रही है। प्रथम अवस्था में देखिए यह हमारी जन्मदर सॉरी ये हमारी मृत्यु दर है और ये हमारी देखा जन्मदर की है और ये कुल जनसंख्या को प्रदर्शित कर रही है। तो जन्म दर में देखिए जो हमारा जन्म दर है वो देखिए बढ़ रहा है, प्रथम अवस्था में बढ़ रही है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। द्वितीय अवस्था में जन्म दर वही उच्च है और लेकिन गिरती हुई मृत्यु दर है। प्रथम अवस्था में तो दोनों ही बढ़ रही है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो वही उच्च है लेकिन मृत्यु दर घटती हुई अवस्था में। तृतीय अवस्था में जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर कैसी है, घटती हुई अवस्था में, मध्यम है, मध्यम रूप से बढ़ रही है, ठीक है। और इसके बाद में जो चौथी अवस्था के बाद पांचवी अवस्था आती है इसमें मृत्यु दर भी निम्न हो जाती है और जन्म दर भी निम्न, दोनों ही कैसी हो जाती है, निम्न हो जाती है। और चतुर्थ अवस्था में मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाती है। इस प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से भी हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को समझ सकते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थॉमसन ने 1935 में लॉन्ड्री के द्वारा, 1945 में नोटेस्टिन महोदय के द्वारा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और जनसंख्या संक्रमण शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, नोटेस्टिन महोदय के द्वारा ही किया गया था।